नमस्ते दोस्तों, यात्रा की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगटोक के बारे में। जी हाँ, यदि आप भी गंगटोक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम गंगटोक ट्रिप से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। जैसे कि गंगटोक घूमने का सबसे बेस्ट समय कब होता है, आप गंगटोक तक कौन से साधन के माध्यम से पहुँच सकते हैं, गंगटोक में रुकने व खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और गंगटोक घूमने के लिए आप वहाँ कितने दिन का स्टे बनाए। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हर जगह की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, गंगटोक भारत में स्थित सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गंगटोक अपने दर्शनीय स्थलों के लिए काफ़ी फेमस है और यहां हर साल आने वाले लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गंगटोक घूमने का सबसे बेस्ट समय कब होता है। फ्रेंड्स, यदि आप गंगटोक की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो इस आकर्षण शहर को घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है। हालांकि इस हिल स्टेशन पर साल भर मौसम आनंदमय होता है। मार्च से लेकर जून के महीनों में गंगटोक में गर्मियों में एक सुखद जलवायु अनुभव होता है, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब बात करते हैं कि आखिर गंगटोक कैसे पहुँचे। फ्रेंड्स, यदि आप ट्रेन के जरिए गंगटोक पहुंचना चाहते हैं तो गंगटोक के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध नहीं है और इसका निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी में स्थित है, जो गंगटोक से 117 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कोलकाता और नई दिल्ली दोनों प्रमुख शहरों के अलावा कई छोटे बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। शहर के किसी भी स्थान पर जाने के लिए आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से कैब या टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्लाइट के माध्यम से गंगटोक कैसे पहुँचे। फ्रेंड्स, यदि आप फ्लाइट के जरिए गंगटोक पहुंचना चाहते हैं तो इस शहर का अपना गंगटोक हवाई अड्डा नहीं है और इसलिए देश के बड़े शहरों से गंगटोक के लिए सीधे उड़ान संभव नहीं है। गंगटोक के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में है, जो गंगटोक से 124 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हवाई अड्डे के लिए आपको देश के सभी प्रमुख शहरों से फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि बस द्वारा गंगटोक कैसे पहुँचे। फ्रेंड्स, गंगटोक सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य और निजी बस सेवाएं शहरों को जोड़ती है। बस से गंगटोक पहुंचने के लिए यात्री इसमें से किसी एक शहर से बस पकड़ सकते हैं। टैक्सियां बसों का एक विकल्प है, जिनकी लागत वाहन के प्रकार के आधार पर निर्मित होती है। तो अब बात करते हैं गंगटोक में रुकने की। फ्रेंड्स, गंगटोक शहर में आपको सस्ते होटलों से लेकर आलीशान रिसोर्ट तक आसानी से मिल जाएंगे, जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम दोनों से बुक कर सकते हैं और वहां पर अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अब बात करते हैं गंगटोक में खाने पीने के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपकी सिक्किम यात्रा में गंगटोक शामिल है तो आपको गंगटोक का प्रसिद्ध भोजन थुक्पा अवश्य खाना चाहिए। थुक्पा सिक्किम का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। आप इसे सिक्किम के महंगे या प्रसिद्ध रेस्तरा में भी पा सकते हैं। पकवान में सब्जियां और लहसुन से भरा नूडल सूप शामिल है, जिसका स्वाद आप गंगटोक में उठा सकते हैं। तो चलिए अब फाइनल बात करते हैं कि गंगटोक घूमने के लिए आप वहां कितने दिन का स्टे बनाए। फ्रेंड्स, गंगटोक में घूमने के लिए कई सारी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन यदि आप गंगटोक की कुछ प्रसिद्ध जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिनों का ट्रिप प्लान करना होगा, ताकि आप गंगटोक की सभी फेमस जगहों को अच्छे से विजिट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी गंगटोक ट्रिप से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी
जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको गंगटोक में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे और वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।